थाने में ढोल की थाप पर नाचती महिलाएं, जयमाला और मांग में सिंदूर भरता युवक, ये नजारा कानपुर के बाबू पुरवा कोतवाली का है, जहां पर हंटर सेना नाम की एक महिला संगठन ने कोतवाली में ही युवक और युवती की शादी करवा दी। पूरी कोतवाली मानो गेस्ट हाउस में तब्दील हो गई। पुलिस कर्मियों ने जब महिलाओं का विरोध किया तो दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की एक नहीं सुनी। दरअसल प्रदीप और अल्पना लगभग 2 साल पहले एक दूसरे से जॉब के दौरान मिले थे। फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर मंदिर में शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों ही खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन बच्चा होने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद अल्पना मायके चली गई और वहाँ जाकर वो हंटर सेना के संपर्क में आई और हंटर सेना के लोग युवक को जबरन डरा धमका कर थाने ले आए और उसकी शादी करवाने लगे। उन्होंने करवाई तो करना पड़ा शादी, और क्या मजबूरन कर दी क्या शादी? मजबूरन क्या कर दी उन्होंने, मेरे को बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। पहले बात तो मैंने बार बार बोलना है कि मेरे कुछ लिखित में तो दोबारा नहीं जाएगी या कुछ बात होगी, लड़ाई होगी, कुछ नहीं बोले, बस पहले शादी करो, करवा दिया, कर लिया। खुशी तब हूँ जब मैं सेटिस्फाई हूँ, यानी कि जब मेरे को कुछ लिख के नहीं मिल रहा है, कुछ बता नहीं, मेरा बात ही कोई नहीं सुन रहा है, बस करवा दे रहे हैं तो मैं कर ले रहा हूँ, क्या करूँगा। जबरदस्ती समझ लीजिए, मेरे को बोला था, इतने सारे लोग हैं, मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है तो मजबूरन मेरे को हाँ बोलना पड़ा, क्या करेंगे। वहीं अल्पना ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी भी की थी, लेकिन बच्चा होने के बाद आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। युवती ने पैसों की कमी को लेकर लड़ाई होने की बात कही। इस बारे में जब हंटर सेना के अध्यक्ष कुलजीत कौर को जानकारी दी तो उन्होंने थाने में शादी करवाने की बात कही। महसूस ये है कि हम लोग साथ निभाने का वादा किया था पहले इन्होंने कि हम शादी करेंगे आपसे, जब शादी का वास्ता दिया था तब मैंने एग्री हुई थी। उसके बाद काफ़ी दिन तो हम लोग अच्छा सिलसिला चल रहा था, जब से बेबी हुआ है हम लोग में काफ़ी अनबन चल रही है। किस बात को लेकर? पैसों को लेकर। जब आप घर में पैसे नहीं देंगे तो मैं बच्चों को दूध कहाँ से लाऊँगी, उसकी कहाँ से मैं देखभाल करूँगी? आप बोलते मैं यहाँ जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, मैं वहाँ जॉब देखने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया इंटरव्यू जॉब देते हैं, आज तक जॉब नहीं लगी है। आप बताइए मैं क्या कैसे कहाँ से खर्च लाऊँ, बच्चे का कि अपना? तो वहीं हंटर सेना के अध्यक्ष कुलजीत ने बताया कि लड़की द्वारा आरोप लगाया गया है कि लड़का उससे शादी नहीं कर रहा, जबकि उनका एक बच्चा भी हो चुका है। लड़की परेशान होकर उनके पास गई थी, जिसके बाद सबके सामने ही थाने में उनकी शादी करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन लाइव।